पंजाब कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। अश्विनी कुमार ने दिया इस्तीफा, कहा कि वह पार्टी से बाहर रहकर देश के लिए बेहतर तरीके से कर सकते हैं काम। डोडा मामले में लालू प्रसाद यादव दोषी करार, लालू प्रसाद यादव समेत 75 आरोपियों को पाया गया दोषी। दिल्ली में शराब की एक बोतल खरीदने पर एक फ्री, भारी छूट से ठेकों पर लगी लंबी कतार। कमाल रशीद खान यानी कि आरके जरूरतमंदों को दे रहे 5,000 रुपए, ट्विटर हैंडल पर मदद मांगने वाले लोगों की लगी लंबी कतार। भारत पर यूक्रेन संकट का असर, यूक्रेन स्थित दूतावास ने भारतीयों से की अपील, कहा कि वह यूक्रेन की गैर जरूरी यात्रा से बचे। भुवनेश्वर में एक 54 साल के शख्स ने की 14 शादियां, ठगने के बाद हो जाता था फरार। शख्स खुद को डॉक्टर या सरकारी अधिकारी बताकर लोगों को फंसाता था, अब भुवनेश्वर पुलिस ने किया गिरफ्तार। दीपिका पादुकोण की गहराई न चलने पर ट्रोलर्स ने मनाई खुशी, दीपिका को चर्सी बताकर किया बाइकॉट। संसद टेलीविजन ने एक प्रेस रिलीज में बताया कि लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई का सीधा प्रसारण करने वाले संसद टीवी के यूट्यूब चैनल हुआ हैक, नाम बदलकर किया गया एथेरियम। क्योंकि सास भी कभी बहुत ही 13 साल बाद फिर से देने जा रहा है दस्तक, तुलसी वीरानी के परिवार से मिलने को मिलेगा मौका। आलिया भट्ट की फिल्म गंगूबाई काठियाबाड़ी पर भड़की कंगना, कहा सरकार को ऐसी फिल्म पर लगानी चाहिए रोक। ब्यूरो रिपोर्ट, द एल टुडे न्यूज।